हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर गुड। दिस इज़ मी मारिया खान, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइट प्लानर। सबसे पहले तो आप तमाम ही लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। ये आप लोगों की एप्लीकेशंस का ही नतीजा है कि मैं यहाँ पे बैठ के ख़ुद को मोटिवेट करती हूँ और एक न्यू कॉन्टेंट देने में कामयाब होती हूँ। ये वीडियो भी आप लोगों के मैसेजेस का ही नतीजा है, पब्लिक डिमांड पर ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कंज्यूम मीट। इस वीडियो में हम तीन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहला, कुर्बानी के गोश्त को पकाने का सही तरीका। दूसरा, उसकी सर्विंग टाइम्स। और थर्ड जो है वो उसके नुकसानात को हम डिस्कस करेंगे। आया कुर्बानी के गोश्त के नुकसानात भी हैं और वो क्या हैं। कुर्बानी का गोश्त अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। अब इस तोहफे में अल्लाह ताला ने कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए हाइड करके भेजे, उनको ज़रा स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है प्रोटीन, फिर आ जाता है हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन, हीम आयरन, B12 जो कि सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट से ही हमें हासिल होता है। ये हमारी बॉडी में ब्लड और जिंक बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। बेसिकली हीम आयरन फूड कम्स इन टू फॉर्म, हीम एंड नॉन हीम। हीम इज़ फाउंड ओनली इन एनिमल फ्लैश लाइक मीट, पोल्ट्री, सी फूड्स। एंड नॉन हीम आयरन इज़ फाउंड ओनली इन प्लांट्स फूड लाइक होल ग्रेन, सीड्स, नट्स एंड ग्रीन लीव्स। ये तो थे न्यूट्रंट्स जिन्हें हमने डिस्कस किया। अब आ जाते हैं हमारे पहले टॉपिक, पकाने का तरीका। कुर्बानी के गोश्त को किस तरह से पकाया जाए ताकि इसके तमाम न्यूट्रिएंट्स हमें हासिल हो सकें और ये हमारी बॉडी में अच्छी तरीके से जाके कंज्यूम हो सके। सबसे पहले इसको पकाने की तैयारी का अमल किस तरह से किया जाए ये जानना बहुत ज़रूरी है। गोश्त को पकाने से पहले ये ज़रूरी है कि इसको एक से दो मरतबा बॉयल करके इसका पानी फेंक दिया जाए ताकि इसका एक्स्ट्रा फैट और ऑयल जो है हमारी बॉडी में जाके हमें नुकसान ना पहुँचाए। अब आप लोग कहेंगे आपने तो इसका सारा मज़ा ही ख़राब कर दिया, तो इसके नुकसानात को हम आखिर के टॉपिक में जाके डिस्कस करेंगे। अब मिसाल के तौर पर जब हम मार्केट से गोश्त खरीद कर लेकर आते हैं तो वो 6 से 12 घंटे लटके रहने की वजह से या फिर एक जगह से दूसरी और दूसरी से तीसरी जगह ट्रांसफ़र के दौरान अपना सारा फैट और सारा ब्लड जो है वो ज़ाया कर देता है। जबकि कुर्बानी के गोश्त के साथ इस तरह से नहीं होता। कुर्बानी का गोश्त कटने के फौरन ही बाद या तो डिश आउट हो जाता है या फिर फ्रीज हो जाता है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि इसका एक्स्ट्रा फैट और एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो डिस्कार्ड कर दिया जाए ताकि हमारी बॉडी को कम से कम नुकसान हो। अब आ जाते हैं हमारे सेकंड टॉपिक, सर्विंग पे। दिन में 1 से 2 कुर्बानी के गोश्त की सर्विंग आप ले सकते हैं, लेकिन PC कंट्रोल के साथ। PC कंट्रोल यानी पोषण कंट्रोल। अब जिन लोगों को मेरी PC कंट्रोल डाइट का नहीं पता वो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके मेरी वीडियो से कनेक्ट हो सकते हैं। अमूमन कुर्बानी के गोश्त को ड्राई फॉर्म, बारबेक्यू या फिर भुने हुए अंदाज में पकाया जाता है, जिसको खाने की वजह से हमारे डाइजेशन टाइमिंग्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं और हमारी बॉडी को कंज्यूम करने में टाइम लग जाता है। आम फूड हमारी बॉडी में 8 घंटे लेता है डाइजेशन के लिए, लेकिन कुर्बानी का गोश्त या फिर इस तरह के सॉलिड फूड्स जो हैं वो 12 घंटे भी ले सकते हैं। यहाँ 12 घंटे का अमल पूरा नहीं होता कि हमारी दूसरी डाइट या हमारी दूसरी मील का टाइम शुरू हो जाता है। यही वजह है कि अक्सर कुर्बानी के गोश्त खाने के बाद या फिर कुर्बानी के प्रोसेस से निपटने के बाद हमें फूड पॉइजनिंग के इश्यूज़ आ जाते हैं या हमें डाइजेशन के इश्यूज़ आ जाते हैं या अमूमन लोगों को एसिडिटीज़ के इश्यूज़ आ जाते हैं। कम खाने से इंसान बीमार नहीं होता, ज़्यादा खाने से इंसान बीमार हो जाता है। और बेहतर यही है कि आप कुर्बानी के गोश्त को थोड़ा शोरबे वाले सालन के अंदाज़ में बनाएं ताकि उससे जो स्टॉक हासिल होगा वो आपकी बोन्स के लिए भी फ़ायदेमंद होगा और आपको आपकी हड्डियों को मजबूत करने में आपकी हेल्प करेगा। तो बेहतर यही है कि कम खाएं, अच्छा खाएं, गिना चुना खाएं, PC कंट्रोल के साथ खाएं और अपनी हर मील के साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़रूर रखें ताकि आपके स्टमक को डाइजेशन के इश्यूज़ ना आएं। अब आ जाते हैं हमारे सबसे आखिरी टॉपिक, नुकसानात पे। गोश्त खाने के या फिर बकराईद का गोश्त खाने के नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा के हमें किसी भी सीवियर हार्ट इश्यूज़ पे लाके खड़ा कर देता है। अब जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जिंक या फिर ब्लड बनाने का काम कर रहे थे
वही न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड को जाके गाढ़ा कर देते हैं। यही वजह होती है कि हम किसी भी हार्ट इश्यूज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं या फिर हमें कोई भी कार्डियक इश्यूज़ आ जाते हैं। तो कोशिश कीजिए अपनी डाइट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, पीसी कंट्रोल के साथ खाएं, ख़ास तौर पे सब्जियों और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। एक टाइम में एक कप या एक टाइम में एक ही प्रोटीन लेवल जो है वो अपनी डाइट का हिस्सा रखें। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन टी का इस्तेमाल करें इन दिनों, क्योंकि जब आप हाई प्रोटीन ले रहे होते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने का भी टाइम देना चाहिए। और फिर जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता कि हमारी दूसरी मील का टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो जब आपने फर्स्ट मील अपनी हाई ले ली थी तो फिर जब आप सेकंड मील पर जाएं तो वो थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी में खाएं, या फिर वो सब्जियों के साथ ऐड होके करके खाएं, ताकि आपकी बॉडी को डाइजेशन जो है वो बन सके और आपकी बॉडी को कंज्यूम करने का टाइम मिल सके। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह ये वाला वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा, और ख़ास तौर पर उन लोगों को पसंद आएगा जिन लोगों ने मुझसे इस वीडियो को बनाने की रिक्वेस्ट की। तो आप तमाम ही लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और वो लोग जो मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक उन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल बटन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। एडवांस ईद मुबारक, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।